दोस्तों, न्यूज सेशन तक में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ सिवान की वर्तमान सांसद महोदया हैं और इनसे हम जानेंगे, क्योंकि आज जो माता जी है उनका आज जन्मदिन है, उसके अवसर पे यहाँ पे बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है। अभी जैसे कि इनके पति अजय सिंह जी ने बताया, तो हमसे सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। देखिए, आज रघुनाथपुर और दरौंदा की पूर्व विधायक स्वर्गीय जगमाता देवी जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी 27वीं जयंती मना रहे हैं हम लोग। आज से 87 वर्ष पूर्व उनका छपरा जिले के एकमा प्रखंड के मठनपुरा ग्राम में जन्म होता हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग मातृ मंदिर बनाकर आज पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना के बाद हम लोगों का कार्यक्रम हुआ और माता जी के सभी चाहने वाले इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी का आगमन हुआ। साथ ही में पैक्स के सिवान जिले के अध्यक्ष श्री रामायण चौधरी जी का, विधान पार्षद श्री वीरेन नारायण यादव जी और सभी गणमान्य नेतागण उपस्थित हुए और उन्होंने पुष्प अर्पित करके माता जी के श्रद्धांजलि में दो शब्द कहे और सभी उनके चाहने वाले आए, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे कि माता जी के जन्मदिन पे आप सिवान की वर्तमान सांसद है, तो सिवान वासियों के लिए क्या कुछ विशेष? देखिए, सिवान जिले वासियों के लिए माता जी का सपना था कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो। वो सिर्फ दरौंदा विधानसभा, रघुनाथपुर विधानसभा का नेतृत्व नहीं करती थी, बल्कि पूरे जिले के बारे में वो सोचती थी। और उनका सोच था कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए, आईटी पॉलिटेक्निक वगैरह सब होने चाहिए और आज वह इस चौड़ी क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाना चाहिए। आज उनका सपना पूर्ण हो रहा है और हम सभी प्रगति के पथ पर उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं।